भिवंडी के अशोक नगर गेट में एक वृक्ष गिरने से चार लोग हुए जख्मी। हम आपको दृश्य दर्शा रहे भिवंडी के अशोक नगर गेट पे, जहां पर एक रोड के काम के निर्माण की शुरुआत की जा रही थी, उस समय सड़क के बीच में एक वृक्ष गिर जाने से वहां पर ट्रैफिक की यातायात बढ़ गई। ऐसे में हमारे चैनल के संवाददाता ने वहां के कुछ लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने अपने वक्तव्य में गंभीरता से आरोप लगाया MMRDA द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसके कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर, उसके लापरवाही के कारण कहते हैं कि यह बड़ी घटना वहां पर घटी है जिसमें चार लोग जख्मी हुए, उनको उपचार के लिए भिवंडी के स्वर्गीय रुग्णालय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में भेज तो दिया गया है, लेकिन कई गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए वहां के स्थानिक ने जो कॉन्ट्रेक्टर है, जो ठेकेदार है, उसके ऊपर गंभीरता से आरोप लगाते हुए क्या काम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि घटनास्थल पर तत्काल वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचकर उस वृक्ष को काट कर वहां पे जो ट्रैफिक लगी हुई थी उस समस्या को हल करने का कार्य की। ऐसे में हम आपको दृश्य दर्शा रहे भिवंडी के अशोक नगर, यहाँ पर सड़क के निर्माण के दरमियान इस वृक्ष के गिरने के कारण चार लोग जख्मी हो गए और कई गाड़ियों का नुकसान हुआ। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। अशोक नगर में रहता हूँ। ये जब इन लोग काम चालू कर रहे थे, जब मैं इसको बोलने गया कि यहाँ काम मत कर करके, तेरे पास बिल्डिंग का ये सब ये है क्या, तो उसको बोला, तो मैं बोला उसका तेरा कॉन्ट्रैक्टर किधर है करके, तो बोला कि कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं, बोलता बाहर गया करके। तो जब हम लोग उसको बोल के निकले तो वो सीधा, हम लोग वहाँ पहुँचे तो सीधा झाड़ी गिरा और सीधा चार जन जख्मी भी हुए उसमें, और एक तो ज़्यादा लगा भी उसके कमर को लगा, उसकी गाड़ी का भी नुकसान और फूट वाले का भी नुकसान हुआ उसमें बहुत। भाग गया, कॉन्ट्रैक्टर था ही नहीं यहाँ पे, जब कोई भी आदमी नहीं, कोई भी आदमी नहीं, जब काम चालू तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है यहाँ पे रुकना, देखना चाहिए था उसको। जब ये रोड का काम चालू करो तो उसको पता चलना चाहिए कि झाड़ का झाड़ है बीच में करके ऐसा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़, धन्यवाद।